टनल की स्थिति है कि 180 मीटर के बाद एक बेंड है, तो उसमें हमने पूरा मलबा क्लियर करा लिया करीब 80 मीटर का। उसके आगे हमारी मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी वगैरह लगी हैं, तो हमें उम्मीद है कि शाम तक कुछ सफलता हासिल होनी चाहिए टनल को खोलने में। उसके बाद यहाँ की स्थिति और क्लियर होगी। टोटल सर कितनी जगह रेस्क्यू हमारा चल रहा है? रेस्क्यू तो यहीं है, बाकी जगह रिलीफ राहत है, बचाव कार्य तो वो यही है, क्योंकि बाकी जगह तो एक तो सर्च है, ढूंढ रहे हैं, और दूसरा रिलीफ है, राहत पहुंचा रहे हैं। जहाँ जो ब्रिज से संपर्क टूट गया है, नीति पास तक हमारे 13 गांव हैं, उसमें करीब 2500 पॉपुलेशन है, तो उसमें संपर्क टूट गया है, तो वहाँ हम जो है राहत सामग्री पहुँचाएंगे। वैसे तो आज पहला दिन है, सभी गाँव में अपनी राशन की व्यवस्था होती है, वहाँ आपदा नहीं है बिल्कुल, फिर भी चूंकि कनेक्शन टूट गया है तो उनको कोई बीमार है कोई वो है, तो उस तरह की राहत वहाँ पर पहुँचाई। केंद्र सरकार से शुरू से ही यहाँ पर जो है ITBP और आर्मी का सपोर्ट शुरू से रहा हमें, उत्तराखंड पुलिस SDRF थी, फिर ITBP और आर्मी आ गई थी तत्काल जो जोशीमठ में है, और आज सुबह से NDRF भी पहुँच गई है, तो बहुत बड़ा सपोर्ट है।